गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त अमजित कौर। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि हम अपनी स्किन को 10-20 साल यंग कैसे बना सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठी, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आप लिख देती हो नीचे कमेंट करके। यार, आप मेरी बात सुन तो लिया कीजिए, ध्यान से किया तो करें। जो चीज बताती हूँ एक दिन करके छोड़ देते हो तो खाक यंग बनेगी। तो भाई, जैसे बता रही हूँ वैसे प्रॉपर करें। क्या करना है आपने, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, हर रोज 1 वीक तक कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो स्किन वाकई ही 10-20 साल यंग बन जाएगी। मैंने इसे ट्राई किया है। मेरी स्किन थोड़ी सी, मुझे लग रहा था कि फैट मेरी बॉडी के ऊपर आ गया है, वो फैट मेरे चेहरे पर भी चढ़ गया है और डबल चिन निकल रही है मुझे। ऐसे पता नहीं क्या कुछ मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे और लग भी रहा था कि मुझे, हाँ मेरा फेस यार, गाले मेरी निकलने लगी है, मोटी हो गई हूँ। सो मैंने क्या किया है, मैंने इस चीज़ को लगातार 1 वीक तक कंटिन्यू किया, क्योंकि बहुत आसान है। कोई इसके अंदर लोचा नहीं है कि केमिकल है, मेरी स्किन को खराब कर देगा, एक्ने पिंपल्स को खराब कर देगा, एक्ने पिंपल्स और निकल आएंगे जो हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, घर के बाहर कहीं पे भी जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, स्ट्रीट मार्केट गए हैं, आप कोई भी स्ट्रीट के ऊपर आपने कोई भी शॉपिंग करनी है, रेडी मार्केट गए हैं, कहीं पे भी गए हैं आप, इवन मंडी भी गए हैं, बस ये सब करने के बाद, ये सब भुगताने के बाद घर पे आए, घर पे आके जो चीज़ बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, स्किन एकदम ब्राइट, टाइट एंड यंग हो जाएगी। यूथफुल आपको लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत फ्रेश लगेगा। तो करना क्या है, जैसे बता रही हूँ वैसे कीजिए। लगातार 1 वीक करने से आपकी लूज स्किन टाइट हो जाएगी, स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आप देख पाएंगे, स्किन का नोज एरिया जो है, स्किन का जो चिक एरिया है, बहुत ग्लोइंग एंड ग्लोसी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अगर आप जैसे बता रही हूँ उस तरह से अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। वन थिंग मोर गाइस, इसे जेंट्स मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, टीनएजर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल मेथड की तरह हमने अपनी स्किन को ब्राइट बनाना है। तो बातें क्यों कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने लेना है फेस वॉश। आप धूप से आ रहे हैं, मंडी से आ रहे हैं, कहीं से भी शॉपिंग करके आ रहे हैं, तो फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है भाई। तो सबसे पहले आपने कोई भी फेस वॉश ले लेना है, उस फेस वॉश से अपने चेहरे की अच्छी तरह से क्लीन अप कर लेना है, चेहरे की डस्ट, डर्ट, धूल मिट्टी को भगा दीजिए चेहरे पर। उस फेस वॉश से 2 मिनट तक मसाज करनी है, 2 मिनट मसाज करने के बाद उसे धो लीजिए। धोने के बाद जो अगला स्टेप आता है दोस्तों, वो है केलों के छिलकों का। केले आपने खा लेने हैं, छिलका आपने फेंकना नहीं है। उस केले के छिलके से आपने 2 से 3 मिनट तक चेहरे की अगेन मसाज करनी है। केले के छिलके अंदर ऐसे एंटीबैक्टीरियल तत्व और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन को ब्राइट, टाइट एंड ग्लोइंग बनाती हैं। इसके अंदर ऐसा असर होता है, इसके अंदर जो ऐसे गुण होते हैं जो स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, ड्राइनेस को खत्म करते हैं, स्किन के ऊपर बहुत अच्छा शाइन लेकर आते हैं। अब 230 स्टेप हमने फॉलो करना है, इसके अंदर हमने बनानी है रेमेडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होगी वो है दोस्तों 1 चम्मच बेसन। बेसन हर घर हर किचन में अवेलेबल होता है, कुछ भी बाहर से परचेज करना नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब डीपली आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इसके क्या फ़ायदे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, बिकॉज स्किन को टाइट, ब्राइट और यंग बनाने के लिए बेसन की बहुत ज़रूरत होती है। ऑयली स्किन की वजह से स्किन ना काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है, ओपन पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है। तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा जिसके अंदर स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, चेहरे को गोरा भी करता है, चेहरे को काफी ग्लोइंग बनाता है, व्हाइट भी करता है, स्किन को टाइट एंड ब्राइट करता है, और इसके अलावा दोस्तों स्किन के ऊपर एक व्हाइटिश टोन भी छोड़ता है। अब बहुत ही कम मात्रा में, चुटकी से भी कम, हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी, जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं। जितना भी चेहरे के ऊपर बैक्टीरिया जम जाता है, बैक्टीरिया को खत्म करके स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाता है। स्किन के ऊपर जितना भी चिपचिपाहट होती है या फिर गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से जो बैक्टीरिया जम जाते हैं, उन्हें खत्म करने में हेल्प करता है, एक्ने पिंपल्स को सुखाता है हल्दी। और टर्मरिक का इस्तेमाल हमने जरूर करना ही करना है, क्योंकि स्किन को व्हाइट बनाने में भी ये बहुत हेल्प करती है। तो अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ 1 चम्मच गुलाब जल के। गुलाब जल से हम इसका पेस्ट बनाने वाले हैं, तो नियर अबाउट मुझे लगता है 3 चम्मच जो है गुलाब जल हमारा लग जाएगा। 3 चम्मच रोज वाटर मिलाकर, आप दूध भी मिक्स कर सकते हैं, आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास लिक्विड अवेलेबल है आपके पास वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो राइट नाउ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रोज वाटर। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, कच्चा दूध अगर इस्तेमाल भी करें ना तो गाइस बहुत बढ़िया है। कच्चा दूध जिसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को काफ़ी बढ़िया बनाता है। तो ये एक पतला सा, हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस एक पतला सा पेस्ट रेडी कर लेना है। और इस पेस्ट को लगाने से पहले हमने क्या क्या करना है वो आप में देख ही चुके हैं, उन्हें आपने बहुत गौर से करना है, याद रखिए, अगर स्किन को हमेशा के लिए यंग बनाना है। तो ये देखिए पैक बन के रेडी हो चुका है, अब हम इसे अपने चेहरे पे लगाएंगे। टीनेजर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही परफेक्ट रेमेडी है।
अब इस रेमेडी को आपने अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने जस्ट एक लेयर अपने चेहरे पर इसकी अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद आपने अपने चेहरे को धो लीजिए। धोने के बाद आपने क्या करना है वो बताती हूँ, पहले चेहरा धो लीजिए। चेहरा धोने के बाद दोस्तों अब बारी आती है CTM करने की। तो स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमारा स्टेप आता है सबसे पहले टोनर का। कोई भी टोनर आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके घर में रोज वाटर भी पड़ा है ना, वो भी अपने चेहरे पर स्प्रे कर लीजिए, जिससे स्किन बहुत ही ज़्यादा काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी सन टैन, पिंपल, एक्ने जो भी होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे और ख़त्म होने में आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगाएंगे। तो CTM ज़रूर करें। तो सबसे पहले आता है टोनर। टोनर चेहरे पर अप्लाई करें और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। टोनर जब सूख जाता है तो आती है बारी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज करने की। मॉइस्चराइज करने के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कोई भी सैलिलिक एसिड जिसके अंदर होता है वो क्रीम इस्तेमाल में करें। मेरे पास ऑलरेडी है, तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगी, उसे क्लिक करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। इसके अंदर सैलिलिक एसिड होता है जो आपकी स्किन के एक्ने, पिंपल्स को बिल्कुल भी नहीं चेहरे पर आने देता, स्किन को काफ़ी टाइम तक यंग बनाए रखता है। ये बहुत बढ़िया क्रीम है, खुशबू बहुत अच्छी है। जिसे अपने चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए, लगा कर रख दीजिए, तो ये हो गया आपका प्रॉपर CTM। तो इसी तरह से आप डेली करते हैं तो स्किन बहुत यंग एंड बहुत यूथफुल हो जाती है। डेली करें, 1 वीक तक कंटिन्यू इसका इस्तेमाल आपने करना ही करना है। सो एवरीवन, अच्छी लगी ना वीडियो, रेमेडी अच्छी लगी ना, जैसे जैसे किया है वैसे वैसे किया ना आपने, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखते जाना आपकी 10 दिन के अंदर कितनी स्किन टाइट ब्राइट हो जाएगी, लूज स्किन कितनी ज़्यादा पकड़ करेगा ये रेमेडी उसके ऊपर। अगर आप इसी तरह से सैलिलिक एसिड जो क्रीम मैंने बताई है जिसके अंदर है उसका इस्तेमाल करते हैं, बनाना पैक आप बनाना की मसाज करते हैं, सैलिलिक एसिड और अपनी स्किन का प्रॉपर जो CTM है वो करते हैं, और साथ में सनस्क्रीन लोशन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, और जो लास्ट में मैंने पैक बताया है वो तो बहुत आसान है यार, हर किचन में अवेलेबल होती है ये चीज़ें, तो ज़रूर करके देखिएगा। स्किन बहुत बढ़िया हो जाती है, टाइट ब्राइट ग्लोइंग हो जाती है। अब नीचे कमेंट करके मुझे नीचे आके जरूर बताइएगा कैसे लगा है नुस्खा। और वन थिंग मोर गाइस, और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब यहाँ पे करना है और घंटी का साइन यहाँ पे है उसको भी क्लिक करना है, ताकि कोई वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। मेरी सभी की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, राइट? तो मुझे नीचे करके कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलूंगी नए वीडियो में, नए DIY में, 250 DIY आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नाउ बाय बाय, take care of y'all.